नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भिंड जिले में एक अजीबोगरीब मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें भिंड के तत्कालीन कलेक्टर सतीश कुमार एस ने शासकीय MJS कॉलेज की जगह को प्राचार्य की आपत्ति के बावजूद भी नवीन तहसील परिसर बनाने के लिए सौंप दिया और तहसील बनकर तैयार भी हो गई और उद्घाटन भी हो गया। गौरतलब है कि भिंड जिले में पदस्थ रहे कलेक्टर सतीश कुमार एस द्वारा MJS के प्राचार्य की आपत्ति को दरकिनार कर तहसील परिसर बनाने के लिए NOC जारी कर दी, जबकि जमीन अधिग्रहण के लिए उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त की अनुमति लेने की आवश्यकता थी। अब मामले में नया मोड़ आ गया है, जिसमें आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने कलेक्टर के न्यायालयीन आदेश को गलत बताते हुए कहा कि उच्च शिक्षा विभाग की बिना सहमति की भूमि अधिग्रहण करना विधिक पूर्वक नहीं है। पत्र में साफ लिखा है कि भूमि अधिग्रहण निरस्त करने के लिए पत्राचार किया गया, लेकिन निरस्त नहीं हुआ, इसलिए 11 मार्च 2022 को पारित हुए आदेश को निरस्त करने की बात कही है। अब मामला सामने आने के बाद प्राचार्य दोबारा पत्राचार करने की बात कह रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री की मंशा अनुसार MJS कॉलेज को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त हुआ और प्राचार्य अपने कॉलेज की जमीन अधिग्रहण से मुक्त कराने के लिए पत्राचार कर रहे हैं, यहां तक कि आयुक्त महोदय के पत्र पर अब तक कोई अमल नहीं हो सका है। MJS कॉलेज की जमीन पर सर तहसील का निर्माण किया गया है, तहसील परिसर का सर, इसके संबंध में सर एक आयुक्त महोदय के यहाँ से पत्र भी प्राप्त हुआ है और उन्होंने अप्रसन्नता जाहिर की है कि बिना सहमति के इस तरीके से निर्माण कराया गया है। क्या कहेंगे इस संबंध में? हम इन्हें पत्राचार कर रहे हैं और ये वास्तव में उच्च शिक्षा विभाग की सहमति के बिना अन्य भवन निर्माण हेतु न भूमि का अधिग्रहण किया जाना विधि अनुकूल नहीं है एवं आवंटित भूमि को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है और इस संबंध में हमारा शासन से पत्राचार जारी है। सर, आपने सर पूर्व कलेक्टर के समय में सर आपत्ति दर्ज कराई थी विभागीय कर्मचारियों ने, आपके कॉलेज के लोगों ने, फिर भी सर भूमि को जबरदस्ती अधिग्रहण करके और ये तहसील बनाई। ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आया क्योंकि मैंने 1 जून को इन प्रचार पत्र भाग ग्रहण किया, इससे पूर्व प्राचार्यों ने क्या किया इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, आज मुझे जानकारी प्राप्त हुई है और हम इसके बारे में पत्राचार कर रहे हैं।